पता है सुहागरात में हर पति अपनी पत्नी को कुछ देता है। मेरे पास तो सिर्फ अंधेरा है। उजाला है। अंधेरा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम रोशनी की तरफ पीठ किए बैठे हो। तुम इस तरफ घूमकर बैठ जाओ। क्यों? बैठ जाओ फिर बताऊंगी। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कुछ भी नहीं, नाम तो माँ बाप रखते हैं मगर मेरे माँ बाप तो साले। अच्छा ये बताओ लोग तुम्हें पुकारते कैसे हैं? ए, अबे ओ, क्या बाबा क्या बिड़ू, अरे उस्ताद। बस 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 ऐसा करते हैं आज तुम्हारा एक अच्छा सा नाम रखते हैं, ठीक है? ठीक है। क्या ठीक है, मेरी भी तकदीर देखो ना कैसी है। शादी के बाद पति पत्नी मिलकर बच्चों के नाम रखते हैं लेकिन मैं अपने पति का नाम रखूंगी। अरे ये तो अच्छा है ना, अपने से कुआं खोदो और पानी पियो। और नाम रखना ही है तो ऐसा रखो जिसे सुनते ही ऐसा लगे जैसे कोई दादा घोड़े पर सीना ताने चला रहा। दादा घोड़े पर सीना ताने, ऐसा एक नाम याद आया। क्या? नेपोलियन। नेपोलियन? अरे वो तो मेरा पुराना फ्रेंड है। वो कैसे? जब मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाते ना तो मैं ब्रांडी पीता हूँ, नेपोलियन ब्रांडी। अरे बाबा किधर है तू? क्या ढूंढ रहे हो? अरे नीचे एक नेपोलियन ब्रांडी की पुरानी बोतल रखी थी, उसमें उसकी फोटो भी है। नहीं अब उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बोतल और ब्रांडी दोनों को भूल जाओ। और सुनो एक नया नाम दीपक कैसा लगा? अरे वाह बहुत अच्छा, ये दीपक और तुम इसकी ज्योति। उस्ताद क्या डिस्को नाम है? अबे ओ डिस्को के टुक्कर, तेरी चमड़ी उधेड़ के उसका ताशा बना दूंगा, चल भाग के। अरे उस्ताद मैं तो ये कहने आया था कि मोहल्ले की टीवी में चित्रहार आने वाला है, तुम देखोगे क्या? भाग क्या? एक बच्चा एक परिवार सुखी रहे सब संसार। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हारा पेट तो बराबर है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। क्या इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था? हाँ ताकि तुम्हें दीपक बना सकूं। नाराज क्यों होते हो, अब मैं इस झूठ को सच कर दूंगी। मुझे रोको मत, ये समझ लो ये जख्म अब मेरा है, इसे तुमने सुहागरात में तोहफे में मुझे दे दिया। इसे लेकर जाते तुमने क्या ले लिया? क्या? उस दिन तो बड़े रौब से तुमने कहा था कि मैं ज्योति को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारा आदमी मार खाकर आ गया और तुम यहाँ बैठे घोड़ा हिलाते रहे। ए, जबान संभाल के बात कर। औरत उसके सामने जबान संभाल कर बात करती है जिसकी वो औकात नहीं जानती। दो टके की औरत मुझसे औकात की बात करती है? वो दिन भूल गई जब तू 50-50 रुपए में बिकती थी। तू वो दिन भूल गया जब दो दो बोरी सीमेंट के लिए अफसरों के पास मुझे सप्लाई किया करता था, 50 रुपए में बात करके ले जाता था और मुझे देता था सिर्फ 40 रुपए। अरे तू तो उस लायक भी नहीं थी। लेकिन तू मेरी दलाली करने लायक जरूर था। लेकिन मेरी मिट्टी तेरी तरह खराब नहीं है। मुझे देख, मुझे, मैं कहां से कहां पहुंच गया और तू अपने आप को देख
तू आज भी वही है, बेडरूम का बिस्तर। और तू है बिस्तर की चादर झाड़ने वाला नौकर। पहले तो छोटे छोटे अफसरों के लिए दलाली करता था, अब मिनिस्टरों के लिए दलाली करता है। तेरी भी नौकात बदली है ना जात। खामोश खामोश तवायफ नहीं भड़वे रहा करते हैं, उन्हें सब सुनना पड़ता है। ज्योति को बर्बाद कर देने का अपना वचन तुझे पूरा करना होगा, वरना। वरना क्या? जब ब्लाउज छोटा होकर पहनने लायक नहीं रह जाता तो मैं उसे फाड़ देती हूँ। आग लगी हमरी झोपड़िया में, हम गाए मलार। अरे देख तो वो दाढ़ी बना रहा है, रात को बीवी के चुभ गई होगी, डांट पड़ी होगी, इसलिए सुबह होते ही शुरू हो गया। अब अच्छा लग रहा है। ए ही, जरा आकर देख तो सही मेरा थोबड़ा कैसे दिख रहा है। हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, बड़े चिकने लग रहे हो। और ये क्या कर दिया? ये वो पहली बार दाढ़ी बना रहा हूँ तो कट गया। उठो। कहाँ? चलो। कहाँ मगर? अरे चलो तो सही। अरे अरे ये क्या कर रही हो? चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी आई। अंदर यहीं कहीं दाढ़ी बना लेते, बाहर बैठने की क्या जरूरत थी? देखा ना, नजर लग गई। सीधा बैठो, सीधा बैठो ना। अबे ओ, सीधा बैठ। ये तो एक ही रात में अबे पर उतर आई। गुड मॉर्निंग। ये तो कुछ भी नहीं उस्ताद, मेरी माँ तो गुस्से में पिताजी को डंडे से पीटने लगती थी। ये भी जाके सिखा दे जा। ए, तू जाता किधर है? दीदी को डंडे वाली बात सिखाने। डंडे वाली बात सिखाने? जरा घूम तो सही। अगर मैं घूमूंगा तो तू मुझे मारोगे। तू नहीं भी घूमेगा तो भी मैं तुझे मारूंगा। बाहर जाकर अगर किसी को अंदर की बात बताई तो जान से मार डालूंगा। और खबरदार, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की, भाग यहाँ से। साला धंधे के टाइम पर खोटी करता है। सुनो, ये जो तुम्हारे गले में चेन है ना, बहुत छोटी है, उसकी जगह ये पहन लो, बहुत जचोगे। अब तुम भी मेरे साथ मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, ये साइकिल की चेन है, गुंडा छाप चेन। हाँ, अब तुम बिल्कुल दादा लग रहे हो। ये क्या है? तुम अपने आप को दीवार का अमिताभ बच्चन समझते हो क्या? सुनो, ये क्या है? तुम क्या अपने आप को श्रीदेवी समझती हो कि जो करोगी अच्छा लगेगा? कैसा रे कूचू? रुक जा वहीं और मेरे सवाल का जवाब दे। वो लौंडिया जो तूने घर में रखी हुई है, मैंने उसे लाने के लिए अपने आदमी को भेजा था, तूने उसे मार पीट कर क्यों भगा दिया? उस वक्त दाढ़ी मुंडवा रहा था क्या? नहीं, जरूरत से ज्यादा दारू पी रखी होंगी ना। हाँ, मुझे मालूम है। कुछ उसे ही कहता, मैं उसे यहां ले आऊं। इसमें पूछना क्या है, साथ लेके आना था। 5,000 रुपया और ले आओ उसे। ये तो कम है। तो ये ले पूरे 10,000। अब ले आ। ये रहे 10,001। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। क्या बोला रे? अपनी बीवी को तेरे पास भेज दूं? ठीक इसी तरह मुझे भी गुस्सा आया था, इसलिए कि वो मेरी बीवी है।
याद रख नेकू, फिर कभी तूने मेरे घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो मैं अपने दरवाजे पर नींबू मिर्ची की जगह तेरी मुंडी काट कर लटका दूंगा। तुझे बताना चाहिए था ना कि उसके घर में कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी है। खैर छोड़ो इन बातों को, काम की बात करें। एक मर्डर करोगे? किसका? कामेश्वरी बाई का। ये वही कामेश्वरी बाई है जो किसी भी कीमत पर तुम्हारी बीवी को बर्बाद कर देना चाहती है। तो फिर एक बार क्या, वो जितनी बार जन्म लेगी उतनी बार उसे मारने को तैयार हूं। ये उसकी कीमत है। जवाब नहीं तुम्हारा, बादशाह हो बादशाह।